उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल चिंतपूर्णी में श्रावण नवरात्रि मेले शुरू हो गए हैं। 10 दिनों तक चलने वाले मेले के लिए जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नवरात्रि मेले के चलते मंदिर परिसर को रंग बिरंगे फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया है। मेला शुरू होने के पहले दिन ही चिंतपूर्णी मंदिर में श्रद्धा और आस्था का खूब जनसैलाब देखने को मिला। चिंतपूर्णी में श्रवण नवरात्र मेलों का आगाज हो गया है। ये श्रवण मास के नवरात्रे 10 दिनों तक चलेंगे। इस दौरान चिंतपूर्णी मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। रंग बिरंगे फूलों से मंदिर की शोभा देखते ही बन रही है। माता रानी के नवरात्रों के लिए सभी तैयारियां मंदिर प्रशासन ने लगभग पूरी कर ली है। नवरात्रों के पहले दिन ही माता रानी की पवित्र पिंडी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। नवरात्रों में भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा मां के भक्तों को पर्ची सिस्टम के जरिए ही दर्शन करवाए जा रहे हैं। पुलिस द्वारा मेले के दौरान सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर न्यास द्वारा मेला क्षेत्र में CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। मेले के पहले दिन हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने माता की पवित्र पिंडी के दर्शन किए। भारी बरसात के बावजूद भी श्रद्धालुओं की आस्था देखते ही बनती है। इस बार मेले को 10 सेक्टर में बांटा गया है। मेले को लेकर धारा 144 भी लगा दी गई है और ओवरलोडिंग को रोकने के लिए इस बार चिंतपूर्णी बैरियर से मंदिर तक श्रद्धालुओं को मालवाहक वाहनों से उतारकर उन्हें बस से मंदिर तक फ्री बस में भेजा जा रहा है, ताकि मेले के दौरान कोई हादसा ना हो सके। ASP ऊना विनोद कुमार ने कहा कि बारिश के बीच भी लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है। लोग दूर दूर से माता के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। इस बार श्रावण अष्टमी का मेला जो 1 अगस्त से 10 अगस्त तक मनाया जा रहा है चिंतपूर्णी में, उसके लिए पुलिस ने सुरक्षा और ट्रैफिक के बंदोबस्त किए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 10 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, गगरेट से लेकर चिंतपूर्णी मंदिर तक। पुलिस ने ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि काफ़ी इशूज रहते हैं ट्रैफिक में, पुलिस ने वन वे प्लान पिछले साल की तरह ही इस बार भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो ट्रैफिक में, रोड पे, उसके लिए पुलिस ने जगह जगह बैरियर्स और अपनी डिप्लॉयमेंट की है। इसके अलावा मेला क्षेत्र में किसी भी वेपन को ले जाना या शोर शराबे के साथ DJ लगाना बड़े शोर से, या फिर नारे ले जाने पर जिला मैजिस्ट्रेट की तरफ से ऑलरेडी ही 144 की नोटिफिकेशन कर दी गई है। तो पुलिस जो है वो अपने बंदोबस्त को लेके पूरी तरह से तैयार है और किसी तरह की श्रद्धालु को दिक्कत ना हो पुलिस ने पूरा उसमें प्लान बना रखा है। सर, जो ओवरलोडिंग बाहर है वो कई बार हादसों को होता है, तो इस बार मेले में इस बार क्या जो कदम उठाए? ओवरलोडिंग में पुलिस ने इस बार गगरेट पे और महतपुर जो हमारे एंट्री पॉइंट हैं उसमें पहले से ही नाका 27 और 28 तारीख से लगा दिया था, और ओवरलोडिंग वाहन जितने भी आ रहे हैं गुड्स कैरियर व्हीकल्स में पिलग्रिम्स श्रद्धालु आते हैं उनको वहीं पे रोका जा रहा है, और जो प्रशासन ने शटल बसें प्रोवाइड की हैं उनमें उनको चिंतपूर्णी ले जाया जा रहा है, और जो मालवाहक वाहन है उनको वापिस भेज दिया जाएगा ताकि किसी तरह का कोई जान माल का नुकसान ना हो। श्रद्धालुओं की माने तो माता चिंतपूर्णी श्रद्धालुओं की चिंताएं दूर करती है और सभी मन्नतें पूरी करती है। नगर जलंधर तो असीं पंज जने अज महामाई के दर्शन करने वास्ते आ रहे हैं और पहुंचे हैं माँ के दरबार के खुले दर्शन किए महामाई के आशीर्वाद नाल। अभी 25 साल तो लगातार महामाई के चरणों से मेले के दिन आने हैं और महामाई सानू खुले भंडारे खुले दर्शन देती है, तो साड़िया आसा मुरादा पूरिया करती है। माँ चिंतपूर्णी सब दिन चिंता दूर करने वाली माँ, इसकी सदा ही जय, सदा ही जय, सदा ही जय। जी मनोकामना है वो पूरी करती है माँ चिंतपूर्णी, तेरी सदा ही जय माँ। सब के खुले खुले भंडार भरना माँ, खुले खुले दर्शन देना, ये चिंतापूर्णी सब की चिंता दूर करने वाली माता तेरी सदा ही जय। जकारा श्री चिंतापूर्णी माता रानी जी का। ये सावन का महीना माँ सभी भारतवर्षियों को शुभ है। इस महीने में सभी बहनें, जितनी नौ की नौ बहनें चिंतपूर्णी माता में दर्शन देने सभी भक्तों को आती है। प्रशासन ने सभी भक्तों के लिए बहुत अच्छा प्रबंध कर रखा है ताकि किसी को तंगी ना हो, ना कोई तंग रहे। सभी भारतवर्षियों को, सभी पंजाबियों को माँ चिंतपूर्णी का बहुत बहुत आशीर्वाद। जय माता।